Okay, हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज हम श्रील प्रभुपाद की स्मॉल बुक्स पढ़ेंगे, नारद भक्ति सूत्र नंबर 6 आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले आज मैंने बताया आप लोगों को जयदेव गोस्वामी का आविर्भाव दिवस है, महान संत हैं। उनका गीत गोविंद अभी हमने आपसे शेयर किए, तो आप सब भी उनको गा सकते हैं, कर सकते हैं भगवान की प्रसन्नता। तो आइए नारद भक्ति सूत्र शुरू करते हैं। इसके लिए प्रेयर कर लेते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि गुलाब सभी गौर गोविंद की जय। तो नारद मुनि जो है व्यासदेव जी को भक्ति की इम्पोर्टेंस समझा रहे हैं। तो नारद मुनि, मैंने बार बार बताया कि नारद मुनि हमारे महाजन हैं और हमें महाजन के दिखाए गए निर्देशों का पालन करना है। तो नारद मुनि बाकी जो है योगा सिस्टम उनका वर्णन किया, ज्ञान कांड, कर्म कांड और योग कांड। उनमें बताया कि भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति मार्ग जो है सर्वश्रेष्ठ है, अमृतमय है और जो इसको प्राप्त करने के अंदर कोई हर्ष नहीं होता, भौतिक उत्साह नहीं होता, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होती और वो न शोक करता है और न ही हानि होने पर शोक करता है, न ही किसी से द्वेष करता। उसके बाद नारद मुनि जो है छठे श्लोक में कह रहे हैं, यज्ञात्वा मतो भवति स्तब्ध भवति आत्मा रामः भवति। और लक्षण बता रहे हैं कि जब कोई भगवत प्रेम उन्मुख हो जाता है, भगवान की भक्ति में सराबोर हो जाता है, प्लावित हो जाता है, तो हम सिम्टम्स बता रहे हैं कि उन सिम्टम्स के थ्रू हमें पहचानना चाहिए। तो हमारे जो शास्त्र हैं, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत, इसमें आपको शुद्ध भक्ति के बारे में भी बताया जाता है ताकि हम डिस्क्रिमिनेट कर सके कि समाज में यदि अप सिद्धांत है तो उनको छोड़कर हम सही सिद्धांत का पालन करें। जब हम सही सिद्धांत का पालन करते हैं तभी हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं, अदरवाइज हमारी भक्ति मिश्रित होगी। तो हम कितने भी बड़े स्कॉलर क्यों न रहे, बहुत अच्छे प्रचारक रहे, बहुत अच्छे बोलने वाले रहे और बहुत सी क्वालिटीज हो सकती है, लेकिन भगवान की प्रियता नहीं होगी, शुद्ध भक्ति नहीं होगी, उसमें मिश्रित होगा। तो मिश्रित भक्ति से करोड़ों जन्म में भी भगवत भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। ये स्टेटमेंट है। मिश्रित भक्ति से किसी भी अवस्था में भगवत प्रेम प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब है कि आप जो कर रहे हैं, अगर मिश्रित भक्ति, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है, केवल पूजा लाभ प्रतिष्ठा है। इससे हम, हो सकता है बहुत से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, लेकिन भगवान का प्रेम नहीं आकर्षित कर सकते। इसलिए शुद्ध भक्ति क्या होती है, सिम्टम्स के थ्रू पहचानना चाहिए हमें। जैसे कभी कभी हम अपने संप्रदाय में भी हम रहते हैं तो हम देखते हैं कि वैष्णव बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, ही इज वेरी हम्बल, है ना, बहुत अच्छे से झुक के प्रणाम करते हैं और तिलक धारण करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, इट्स ओके लेकिन उनका वे ऑफ डूइंग थिंग्स क्या है, वो किस एटीट्यूड को पालन करते हैं भक्ति में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये समझने के लिए हमें शास्त्र का गूढ़ ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें आधा नॉलेज है या थोड़ा थोड़ा नॉलेज है तो हम हमेशा व्यक्ति को जज करने में गलती करेंगे। और जब हम उनसे श्रवण करेंगे, उनके द्वारा हम सुनेंगे, तो सिद्धांत तो बताएंगे लेकिन सिद्धांत को मिसडायरेक्ट कर देंगे। ये आसुरिक स्वभाव होता है। सिद्धांत वही रहते हैं लेकिन उनको बताने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अगर हम ले राजा वेन की कथा लें तो राजा वेन को जब ऋषि मुनि समझा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अभी कोई ऑप्शन नहीं है और इसी को राजा बनाना है, हालांकि ये क्रूअल है लेकिन फिर भी अगर समझाने से समझ जाए तो ये मतलब देख लेते हैं। तो सेजेस उनको समझा रहे थे कि हमें धर्म के साथ रहना चाहिए, आपको ऐसे धर्म को बंद नहीं करना चाहिए, लोगों को नरसंहार नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, है ना, उनको समझा रहे थे। लेकिन समझाने के बाद जब ऋषियों ने बोल लिया तो वेन कहता है कि तुम सब मूर्ख हो, तुम्हें इतना नहीं पता कि मैं राजा हूं, और राजा जो होता है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, उसमें सारे देवी देवता वास करते हैं, तुम्हें भगवान को छोड़कर मेरी उपासना करनी चाहिए। ऐसे ही कुछ ख्यालात हिरण्यकशिपु के थे, अगर आप उनका प्रसंग पढ़ेंगे तो ऐसे ही ख्यालात रावण के थे, और ऐसे ही ख्यालात और भी जो असुराज हैं, फेमस असुराज हैं, उनमें हैं। वो सिद्धांत लेते हैं, शास्त्र से ही सिद्धांत लेंगे लेकिन उनका मिसयूज करेंगे। तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि यहाँ पे जो राजा वेन जो है ये सिद्धांत कह रहे हैं, तो क्या ये सिद्धांत गलत कह रहे थे वो, कि राजा के शरीर में सभी देवी देवता वास करते हैं, राजा जो है भगवान का प्रतिनिधि होता है? तो ये क्यों अब सिद्धांत है कि सिद्धांत है? सिद्धांत है। कहाँ कौन बोल रहा है? सिद्धांत है, सिद्धांत है। कहाँ पे बताइए माता जी ये सिद्धांत है? तो ये है नहीं, राज ऋषि, पहले राज ऋषि होते थे ना, तो राज ऋषि से यही एक्सपेक्ट किया जाता था। क्या एक्सपेक्ट किया जाता था? कि सारी देवी देवता उनके अंदर बात करते हैं, वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। राज ऋषि को तो प्रतिनिधि माना जाता था। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि उसी परिपेक्ष में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो जैसे वेन जो थे वो प्रथम मनु के समय में थे, अभी हम 7th मनु के समय में हैं, तो लगभग कितना एज पास हो गया होगा? थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर पता हो आप लोगों को, एक मनु का कितना ईयर होता है समथिंग, किसी को? एक मनु का 71 दिव्ययुग होता है। ठीक है, 71 दिव्ययुग तो होता है, लेकिन इंटू 7 हो जाए, इंटू 6 हो जाएगा, और प्लस जो भी जितने साल निकले। युग बोलने से थोड़ी समझ में आएगा, आप हमको ईयर्स बताइए। युग बोल दिया बात खत्म थोड़ी जाती है। 71 युग, व्हाट इज द मीन बाय 71 युग? हाउ मेनी डेज और समथिंग, ईयर्स, एनीथिंग यू हैव टू मेंशन। अब 73 72 4,32,000 तो कलयुग है माता, केवल कलयुग। और जब ये चारों युग 72 टाइम्स रोटेट होते हैं, 72 टाइम बीतते हैं, तब एक मनु का जीवन काल खत्म होता है। एक मनु का जीवन काल जब खत्म होता है, ब्रह्मा का एक दिन खत्म होता है, मनु का एक काल खत्म होता है, राइट? तो यानी अगर मोटा मोटा आप हिसाब लगाइए तो 2 बिलियन सहस्त्र युग होगा, ठीक है ना? तो 2 बिलियन सहस्त्र युग पहले राजा वेन जो है सिद्धांतों को मिसयूज करके बताता है। जो भगवान ने सिद्धांत बताए हैं गीता भागवत में, उन्हीं सिद्धांतों को मिसयूज करके बताता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं उस पर कोट में कि आज भी ऐसा ही हो रहा है। आज बोला जाता है राम जो है, राम इज नॉट द हीरो, बल्कि रावण इज द हीरो, कि कम से कम उसने अग्नि परीक्षा तो नहीं ली ना, और अपने जो बहन का अपमान हुआ, नाक कान काटा गया, तो पूरी रामायण रच दी, तो मुझे ऐसा ही भाई चाहिए, है ना? आजकल ऐसे आप प्रोपोगंडा सुन रहे हैं, रावण के लोग बहुत बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और राम के नेगेटिव एस्पेक्ट्स निकाल के बता रहे हैं। होता है कि समाज में डिग्रेशन आ चुका है, सही सिद्धांत नहीं पता है, लोगों को सही नॉलेज नहीं मिल रहा है। आज हमारा कर्तव्य है, स्पेशली वैष्णव का, और अगर भारत में जन्म हुआ है, हमारा सबका ये ड्यूटी है कि हम सही ज्ञान लें और सही ज्ञान का प्रचार प्रसार प्रारंभ करते हैं। क्योंकि जब इस तरह की बातें सामने आती है कि भगवान ने बाली को छुपके क्यों मारा, ऐसे बहुत सी चीज है, भगवान ने अग्नि परीक्षा क्यों ली, है ना, भगवान ने सीता को क्यों छोड़ दिया, ऐसे बहुत से अलगरल बातें बोली जाती हैं, और रावण के 100 बुराइयां रहती हैं, लेकिन फिर भी उसको अच्छाई करके बताया जाता है। तो सिद्धांतों का, दिस इज मेरा जो पॉइंट है, मैं वापस आती हूँ कि असुर प्रवृत्ति यानी डिमोनिक नेचर जो होता है वो कभी भी आपको अब सिद्धांत नहीं बोलेंगे, वो सिद्धांत बोलते हैं, लेकिन सिद्धांत को मिस इंटरप्ट करते हैं, मिस गाइडेड करते हैं। तो मैंने एक सिद्धांत जैसे बताया कि अगर वेन ये कह रहा है, सेजे जब उसको समझाते तो कहते हैं कि तुम सब मूर्ख हो, तुम सब बालक की तरह बातें करो, इतने महान ऋषियां होके तुम्हें पता नहीं कि क्या राजा जो है वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी भगवान होता है, और उसके अंदर सारे देवी देवता वास करते हैं, और तुमको भगवान की सेवा छोड़कर मेरी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। तो मैं पूछना चाह रही थी कि क्या ये आप सिद्धांत है, या आप सिद्धांत है तो क्या है? ऐसे चुप मत रहो प्लीज, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं। मैं इसलिए आप लोगों को पूछती हूँ कि बस मैं आऊं, आप लोग चाहते हैं कि मैं एक लेक्चर दूं, यहाँ से पढ़ूं, 2-4 लाइन आप पढ़ें, 2-4 लाइन हम पढ़ें, एक डिस्कशन हो, उसके बाद हरे कृष्णा। दिस इज नॉट अवर एम। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑल द फिलोसफीज, कुछ तो बताइए आप लोग जो आप लोग को समझ में आता है। बेसिकली इसमें जो हरे कृष्ण, हाँ, जैसे कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, ये सिद्धांत है, लेकिन राजा की क्वालिटी क्या है, मतलब क्या राजा का जो भगवान का प्रतिनिधि है वो राजा राजर्षि या भक्त होना चाहिए, तभी वो भगवान का प्रतिनिधि है। यदि वो राजा जो है करप्ट है तो फिर वो भगवान का प्रतिनिधि नहीं माना जाएगा। वेरी करेक्ट आंसर। यहाँ सिद्धांत गलत नहीं बोल रहा है, वे सिद्धांत सही बोल रहा है कि भगवान साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्ता भागवत एव सद्धि किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्ता वंदे गुरु श्री चरणारविंद। लोग ये रोज पढ़ते हैं, कितने लोग रोज ये पढ़ते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। कोई सिंग करता है कि नहीं ये सब सॉन्ग? 1, 2, 3, 4 लोग बस, बाकी लोग सिंग नहीं करते हैं ये सॉन्ग। इट्स अ वेरी बैड इफ यू आर नॉट सिंगिंग। इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा ये पैराग्राफ का मतलब? साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्थिता भागवत एव सद्धि किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु चरणारविंदम। श्रृंगार आरती के बाद हम लोग आते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, यस प्रिया दर्शनी प्लीज। हाँ जी माता जी, इसका मीनिंग ये है कि मैं उन गुरु को चरणों में नमस्कार करती हूँ जो मतलब शास्त्रों के नियमों का अच्छे से पालन करते हैं, दृढ़ता से पालन करते हैं, निष्ठा पूर्वक, और वो भगवान को, श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। हाँ ठीक है, ठीक है प्रियदर्शन, थैंक यू सो मच। तो इसमें बताया गया है कि जो भगवान को अति प्रिय है, शास्त्रों पालन करते हैं, लेकिन सभी शास्त्र ये कहते हैं कि वो ही भगवान है। हमें गुरु से देखना चाहिए भगवान की तरह। हालांकि किंतु प्रभोर्या प्रिय, लेकिन किंतु वो प्रतिनिधि है, इज नॉट भगवान। शास्त्र तो कहते हैं कि भगवान ने 11 कैंटो में तो उधर से सीधे सीधे कहा है कि तुम्हें उसे भगवान ही मानना चाहिए। मेरा रिप्रेजेंटेटिव है तुम्हारे पास, तुम उसको एज अ भगवान ही ट्रीट करो। तो हमें कहाँ समझना होगा कि किस व्यक्ति को भगवान समझने की बात की जा रही है? जिसके अंदर गुण है रिप्रेजेंटेटिव के। भगवान ने जब बताया कि मेरा अगर ये प्रतिनिधि है तो इसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, मेरा भक्त होना चाहिए, मेरे सिद्धांतों को बताना चाहिए, है ना, और दुनिया में भी भक्ति को एस्टैब्लिश करने वाला होना चाहिए, राज ऋषि जैसे आप लोग ने बोला, ऐसा होना चाहिए, है ना, शिष्य परंपरा से होना चाहिए, परंपरा से होना चाहिए, और भी बहुत सी क्वालिटीज हैं, वो सारी क्वालिटी बिलोंग करनी चाहिए ना उसमें, तब वो व्यक्ति क्या है, हमको हम उसको भगवान की तरह मान सकते हैं। लेकिन अगर कोई गुरु है और वो धोखा दे रहा है तो उस गुरु को हम नहीं बोलेंगे कि वो गुरु, अरे गुरु को गुरु तो है, इनके खिलाफ हम कैसे बोलें, गलत है तब भी हम कैसे करें। तो वहां पे समझना होगा कि शास्त्र ने हमेशा खंडन किया कि ऐसे गुरु को, ऐसे लोगों को त्याग दो, वो हमारे गुरु बनने लायक या राज ऋषि या राजा बनने लायक नहीं है। समझ गए ना, समझ गए ना। तो पूरा पॉइंट जो मैं इसलिए थोड़ा सा ये इलैबोरेट कर रही हूँ, हमेशा ध्यान रखिए, शास्त्र जो बात आता है, कोई भी चीज बताता है कि ये गुरु होना चाहिए, ये लीडर होना चाहिए, ये माता होने चाहिए, ये पिता होने चाहिए, उनकी वो सिम्टम्स बताता है, अच्छे माता पिता की उनके लक्षण बताता है, वो लक्षण होने चाहिए तब वो चीज सही है। हम केवल कोई व्यक्ति तिलक लगा ले, कोई व्यक्ति फटाफट शास्त्र बोले, कोई बहुत अच्छा हो, उसके आधार अथॉरिटी पर्सन हो जाता है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है, कुछ मैं गलत तो नहीं बोल रही, आप समझ रहे हैं। मतलब ये श्लोका मैं इसलिए बता रही हूँ कि अभी क्या है, पिछले श्लोका में भी नारद मुनि ने लक्षण बताया कि भक्त, सिंपल एग्जांपल देना चाहती हूँ इसको समझाने के लिए। हाँ। जैसे कि एक कुत्ता है, तो कुत्ता है तो वो उसको कुत्ता बनने के लिए कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। ये गधा है तो उसको गधा बनने के लिए एफर्ट्स है, लेकिन एक मनुष्य है तो वो चाहे मनुष्य के शरीर में है लेकिन उसको मनुष्य बनने के लिए भी एफर्ट्स करने की, अरे आदमी बन जाओ जैसे कहते हैं ना, तो मतलब मनुष्य शरीर होने से ही कोई मनुष्य नहीं बन जाता है। उसको एक सिंपल ह्यूमन बनने के लिए भी कुछ क्वालिटीज चाहिए होती हैं, तो यदि उसके अंदर वो क्वालिटीज नहीं है तो वो वास्तव में मनुष्य के शरीर में होके वास्तव में वो मनुष्य नहीं है। हाँ, तो मनुष्य शरीर में क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो चार नियम का पालन करता हो। हाँ। और वो भगवान की भक्ति करता हो, यानी वर्णाश्रम सिस्टम में हो, वो गृह में भी गृहस्थ होना चाहिए, है ना, समझ गए। तो सिम्टम्स हमेशा, ये जो चीजें आप पढ़ते हैं तो थोड़ा ध्यान रखा करो, जब भी कहीं आप पढ़ते हैं आप देखो शास्त्र बहुत ईमानदारी से बताता है, लेकिन हम ठीक से समझते नहीं है, फिर हम गलत चीजों में फंस जाते हैं। कोई हमसे बोलता है, कोई चार अगर अच्छे स्कॉलर नहीं, ओरिएटर समझ लीजिए, बहुत अच्छा बोलने वाले, और वो आपको जस्टिफाई करने पर मजबूर करेंगे कि रावण जो है वो नायक है और राम जो है वो नायक नहीं है, मैं तो रावण ही सही, तुम राम बनो, मैं रावण ही सही। तो वहां हम जान रहे हैं कि ये व्यक्ति गलत बोल रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि इसको काटे कैसे। समझ रहे हैं नरसिंह स्तुति माता जी। एक वाक्य है, सिद्धांत बलिते ना कर आलस, ऐसा हाँ। ही है कुछ, सिद्धांत बलिया न कर आलस, इहाते कृष्ण ला की सुदृढ़ मानस। इसीलिए सिद्धांत पढ़ना और बताना चाहिए, इसमें कोई भी आलस से नहीं करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में बोला, सिद्धांत बलिया जीव न कर आलस, इहाते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस, क्योंकि इस सिद्धांत के द्वारा ही भगवान में सही मति लगती है। तो बहुत हम जब जैसे कि हम कोई खाने की सामान खरीदने जाते हैं या अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए जाते हैं या कोई भी अपनी बाकी चीजें करते हैं, तो उसमें हम कितना ध्यान रखते हैं हर चीज का ना, कि वो सही हो, सही रिजल्ट दे, है ना। लेकिन हम जब भागवत भक्ति में आते हैं तो गुरु चयन करने में, पुस्तक चयन करने में, आदर्श चयन करने में कोई सावधानी नहीं बरतते, बस जो हमारे अथॉरिटी बता देते हैं, माँ बाप ने बता दिया तो हम उसी को मानते, उसको चेक नहीं करते, इसीलिए कभी हम जवाब नहीं दे पाते। हमें भक्ति क्यों करनी है, नहीं हमारे मम्मी ने की थी इसलिए हमें करनी, माला क्यों की जाती है नहीं पता, तुलसी पर ही क्यों की जाती नहीं पता, हमें आंसर ही नहीं पता, है ना। तो यहाँ पे नारद मुनि जो है अभी हमें और क्वालिटीज बता रहे हैं, तो देखते हैं। यत ज्ञात्वा मत भक्ति भवति आत्मरामः भवति। भगवत प्रेम में भक्तिमय सेवा की पद्धति को पूर्णतः जानने वाला उसके निष्पादन में उन्मत्त हो जाता है। दिस इज अनदर क्वालिटी। इच्छा द्वेष नहीं करता, शोक नहीं करता, लेकिन साथ साथ और जो डीपर में जाएंगे कि शुद्ध भक्त और कैसा होता है, उसका व्यवहार क्या होता है, कि जब वो चैंटिंग करता है, जब वो कीर्तन करता है, जब वो हरि नाम लेता है, तो उसके अंदर पूरे अष्ट विकार प्रकट होते हैं, उन्मत्त होता है ना। कभी कभी वो भावानंद में स्तब्ध हो जाता, कभी कभी भगवान के बारे में बोलते बोलते वो रुक जाता है, गला अवरुद्ध हो जाता है, और एवं इस प्रकार परमात्मा की सेवा में संलग्न हुआ वो अपनी आत्मा में रमण करता है। वो इस तरह इंटरनल वर्ल्ड में रह देता है, अपने आप में भगवान में वो रमण करता है। उसको वाहे जगत में क्या हो रहा है या उसको कितना पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिल रहा है या बाकी चीजें क्या हो रही है, वो इतना अवेयरनेस नहीं रहता, उतना अवेयरनेस उसके अंदर नहीं होती है। तो ये जो श्लोक है ये क्या बता रहा है कि जो भाव अवस्था पर पहुंचे हुए हैं या प्रेम अवस्था पे जो भक्त पहुंचे हुए हैं उनमें ये गुण पाया जाता है। अष्ट विकार केवल थोड़े समय के लिए नहीं आता, जैसे कभी कभी किसी भक्त अच्छे भक्त का संग करके या कहीं कहीं कोई अच्छी तीर्थ स्थल में या वैष्णव शिष्य में हमें थोड़ा सा अष्ट विकार की झलक मिल जाती है, वो थोड़े 1-2 घंटे रहती है फिर चली जाती है। नहीं, वो उनके उनका ये जो विकार रहता है, ये भगवान के प्रति जो उन्मुक्ता रहती है, जो भगवान के प्रति प्रेम होता है, गदगदपन होता है, ये उनके अंदर सदैव रहता है, वो ऊपर नीचे नहीं होता। सखी स्वरूपा, समझ में आ रही है बात? ओके, समझ में आ रहा है? दोनों प्रणाम जी माता जी। सखी समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, ये ध्यान रखिए। तो आज ये बहुत ही डीपर लक्षण है, ये जो शुद्ध भक्त हैं जो प्रेम अवस्था में पहुंचे हुए वो उनके लक्षण हैं। तो आइए हम इनको पढ़ते हैं। तात्पर्य, यस प्रेम पद पढ़िए। हरे कृष्णा। पहले अनुवाद पढ़ना ना। भगवत प्रेम में भक्ति में सेवा की पद्धति को पूर्णतः जानने वाला उसके प्रतिपादन में उन्मत्त हो जाता है, कभी कभी वह भावानंद में स्तब्ध हो जाता है, एवं इस प्रकार परमात्मा की सेवा में संलग्न हुआ वह अपनी आत्मा में रमण करता है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम 1.7.10 कहती है, आत्मा रामश्च है मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमेः कुर्वन्ति अहत्किम भक्तिम इत्थम भूत गुणौ हरि। कि यद्यपि जो आत्मा राम स्वयं संतुष्ट है वे समस्त भौतिक दूषण से मुक्त है, तथापि वे भगवान की लीलाओं से आकर्षित होते हैं तथा इस प्रकार वे उनकी दिव्य सेवा में स्वयं को नियोजित करते हैं। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस आत्मा राम श्लोक की व्याख्या श्री सनातन गोस्वामी से की तो उन्होंने इसके 61 अर्थ बताए थे तथा वे सभी भगवान की भक्ति में सेवा की ओर निर्देश करते हैं। भक्ति व सेवा में कोई कैसे उन्मुक्त हो सकता है, इसका बड़ा सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। श्लोक का पढ़ के छोड़ दूंगी। एवं व्रतः स्वप्रियः नाम कीर्त्याः जातानुरागः द्रुतचित्त उच्छहि अतस्त यथो रोदति रेतै गायति उन्मात् व्रत्यति लोकभ्रमः। आगे पढ़ो या कोई और पढ़े? आवाज नहीं आ रही। नंदीमुखी वाली जी पढ़िए। हाँ, हरे कृष्णा। पूर्ण कृष्णा भावना मृत में भगवत भक्ति में सेवा में संलग्न व्यक्ति कृष्ण का पुण्य नाम सुनकर व जप कर स्वतः ही आनंद विभोर हो जाता है। पवित्र नाम संकीर्तन से दर्विचित हुआ वह उन्मत्त मनुष्य के समान हो जाता है तथा बाह्य सामाजिक रीतियों की चिंता नहीं करता, अतः वह कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी जोर जोर से चिल्लाता है, कभी गाता है और कभी नृत्य करके स्वयं को भूल जाता है। ये भक्ति में सेवा में उन्मत्तता के लक्षण है। यह स्तर जिसे आत्माराम स्तर कहते हैं तभी संभव है जब भगवान अपने भक्त की उन्नत भक्ति में क्रिया के लिए उस पर अपनी कृपा करते हैं। यह सर्वोच्च सिद्धि स्तर है क्योंकि शुद्ध भगवत प्रेम की प्राप्ति के बिना इस तक नहीं पहुंचा जा सकता है। थैंक यू माता। नहीं, थैंक यू माता जी। यस प्रिय दर्शनी, पढ़िए एक पैराग्राफ। ना औपचारिक धार्मिक अनुष्ठान, आर्थिक उन्नति, इंद्र तृप्ति और ना ही मोक्ष की इस भगवत प्रेम कृष्ण प्रेम के मधुर स्तर से तुलना कर सकते हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला पूर्णानंद तथा उन्मत्ता के स्तर के वर्णन में इसे ब्रह्म ज्ञान के आनंद से भी कहीं अधिक पढ़कर बताता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्ति भगवत प्रेम का आनंद इतना व्यापक है कि वह ब्रह्म मोक्ष ज्ञान के अनु आनंद की तुलना में एक महासागर के समान है। सभी वैदिक शास्त्रों में भक्ति में सेवा में उन्मत्ता के स्तर को सर्वोच्च सिद्ध स्तर कहा गया है। यह साधारण व्यक्तियों और भक्तों द्वारा प्राप्य नहीं है। आगे बढ़े माता जी। थैंक यू माता जी। सुकुमारी माता जी पढ़िए एक पैराग्राफ। कृष्णा, सिद्धि की अवस्था में व्यक्ति का हृदय द्रवीभूत हो जाता है तथा वह भगवान की चरणारविंदों की प्राप्ति में अधिक से अधिक आसक्त हो जाता है। भक्तिमय सेवा के मार्ग के महान आचार्य श्रील रूप गोस्वामी ने इस अवस्था की व्याख्या इस प्रकार की है। यद्यपि पागल के ही समान दिखता है, तथापि भक्तिमय सेवा में आनंद विभोर व्यक्ति इस शब्द के भौतिक अर्थ में पागल नहीं होता। यह उन्मत्तता का आनंद भगवान की आह्लादनी शक्ति का प्रकाश होता है। भगवान की विभिन्न शक्तियां हैं, जिनमें से एक है आह्लादनी शक्ति, उनकी अंतरंगा शक्ति। इस शक्ति से कुछ परिचय प्राप्त व्यक्ति से ऐसी उन्मत्तता का आस्वादन कर सकता है। वेदांत सूत्र 1.1.12 का कहना है, आनंदमयोभ्यसात। भगवान स्वभाव से सदा आनंदमय है। भगवान की यह आनंदमयता उनकी आह्लादनी शक्ति के कारण ही है। थैंक यू सो मच माता जी। यस गौरी, नेक्स्ट पैराग्राफ। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। भगवान की आह्लादनी शक्ति से प्रभावित व्यक्ति आनंद उन्मत्ता के विभिन्न लक्षणों का प्रकाश करता है, जैसे हृदय का द्रवित होना, हंसना, रोना, कांपना एवं नृत्य करना। ये लक्षण भौतिक नहीं होते, फिर भी जनता द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु ऐसे आनंदोन्माद के लक्षणों का प्रदर्शन करना शुद्ध भक्तों द्वारा अनुमत नहीं है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते हैं, प्रेममयी सेवा की सर्वोच्च सिद्धावस्था की प्राप्ति से रहित आध्यात्म ज्ञान विहीन व्यक्तियों के कृत्रिम रूप से हंसने, रोने या नाचने से उन्हें किसी मंगल की प्राप्ति नहीं हो सकती। देह का बनावटी हावभाव सदा त्याज्य है। व्यक्ति को भक्ति में सेवा की परिधि में स्वाभाविक क्रम के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए एवं उस समय जब कोई रोए, नाचे या गाए तो वह मान्य है। आह्लादनी शक्ति के लक्षणों का कृत्रिम प्रदर्शनकारी व्यक्ति साधारण जीवन यापन में कई उत्पात मचा देता है। हरे कृष्ण। थैंक यू। यस दामोदर भक्ति, यू वांट टू रीड? प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति में सेवा की सिद्धावस्था को प्राप्त व्यक्ति भक्ति के विज्ञान का प्रचार कर सकता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किया। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रचार करते थे तो वे नृत्य करते थे तथा आनंदोन्माद के अन्य लक्षण भी प्रदर्शित करते थे। एक बार बनारस में प्रकाशानंद सरस्वती नामक मायावादी सन्यासी ने इन क्रियाओं का विरोध किया। उन्होंने कहा कि चूंकि महाप्रभु ने सन्यास लिया था, अतः उन्हें ऐसे उन्मत्त ढंग से के कार्य नहीं करने चाहिए। महाप्रभु ने बताया कि उन्मत्ता के ये लक्षण हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से स्वतः ही उत्पन्न हुए थे एवं इसे देखकर उनके गुरु ने पूरे विश्व में उनको प्रचार करने का आदेश दिया था। प्रकाशानंद से बात करते हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हरि भक्ति सुदोदय 14.36 से एक महत्वपूर्ण श्लोक उद्धृत किया। तो साक्षात 1 मिनट। यस मुक्ता माता जी, यू वांट टू? हरे कृष्ण माता जी। श्लोक, मेरी संस्कृत जरा खराब है, प्लीज क्षमा करिएगा। कर्ण आह्लाद विशुद्धावधि स्थितये में सुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्मणयपि जगत गुरु। मेरे प्रिय स्वामी, हे जगत के नाथ, चूंकि मैंने आपको प्रत्यक्ष देख लिया है, अतः मेरे दिव्य आनंद ने एक महासागर का रूप ले लिया है। अतएव अब मैं निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के आनंद को गाय के बछड़े के खुर में रखे जल के समान मानता हूँ। अतः जो भक्ति में सेवा की सिद्धावस्था तक पहुँच जाता है, वह इतना तृप्त हो जाता है कि उसे और कुछ अधिक पाने की इच्छा नहीं रहती, तथा इस प्रकार वह सदा शुद्ध भक्ति में सेवा में संलग्न रहता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो आपने देखा कि कितना सुंदर ढंग से इसमें श्रील प्रभुपाद ने अपने परपोट में बताया है कि जो शुद्ध भक्ति के लक्षण में रहते हैं, वो क्या कहते हैं, उनमें ये लक्षण जो है दिखाई देते हैं। वो आत्माराम रहते हैं, मतलब अपने आप में ही रमण करते रहते हैं, क्योंकि वो भगवान के साथ रहते हैं। और क्या बताया जा रहा है कि जो भगवान की भक्ति यानी कृष्ण भक्ति का जो रस का आनंद है, ये सर्वोत्तम आनंद है। इसमें इतना आनंद रहता है कि व्यक्ति को और किसी भी आनंद से में उसको तुच्छ लगता है, चाहे वो ब्रह्म आनंद ही क्यों ना हो, है ना। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग अपना अनुभव एक एक पॉइंट कोई भी आप लोग बताएं। माता जी, हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही माता जी आपकी। हाँ बोलिए माता जी, एक एक पॉइंट सब लोग शेयर कीजिए। पॉइंट तो मैं बाद में पढ़ूंगी, थोड़ा मेरे को ये समझा दो। आह्लादनी शक्ति के लक्षणों का कीर्तन प्रदर्शन करी व्यक्ति साधारण जीवन यापन में कई उत्पात मचा देता है। इसका थोड़ा से ये लाइन समझाओ। यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान जो है उनका एक, भगवान का एक जो स्वरूप है वो क्या है, आनंदमय भसार, मतलब भगवान सदैव आनंद ब्लिसफुल में रहते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि व्यक्ति को भक्ति में सेवा की परिधि में ही स्वाभाविक क्रम के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए एवं उस समय तक कोई रे नाचे गाए तो मान्य है। मतलब कहा जा रहा है यहाँ पे, ये बताया जा रहा है कि वही बता रहे हैं ना, जो सहजियाज होते हैं वो खूब रोते हैं, मिर्ची लगा लगा के, काजल में मिर्ची लगाते हैं और काजल लगाते हैं और रोते हैं सस्ती प्रशंसा कलेक्ट करने के लिए, रोमांच करते हैं। आप देखेंगे कभी कभी कोई लोग जो धरती पर लौटते रहते हैं, है ना, धरती पर लौटते हैं, ऐसे जो अष्ट विकार के लक्षण है वो जबरदस्ती क्रिएट करते हैं। क्यों? लोगों के अंदर प्रतिष्ठा लाभ लेने के लिए, है ना। क्यों? परम प्रेष्ठवादी, समझ में आ रहा है ना। बहुत से लोग होते हैं ना, खूब रोते हैं, खूब भाव में एकदम कनकना। तो यहाँ पे उसकी निंदा की जा रही है और उसमें लास्ट में बता रहे हैं कि आह्लादनी शक्ति के लक्षण का कृत्रिम प्रदर्शन, ये जो कृत्रिम प्रदर्शन है, एक होता है कि भगवान से प्रेम होने के बाद ये लक्षण आना, है ना, किस भगवान से जब प्रेम होता है तो आंख से जो आंसू निकलते हैं वो किसी कैमरे में दिखाने के बाद नहीं निकलते हैं, है ना। या रोमांच की फीलिंग होना, या जोर जोर से भगवान के कोई गीत गाना, है ना, या भगवान के मंदिर में दर्शन करने चले जाना, है ना। ऐसे जो लक्षण प्रकट होते हैं ये कृत्रिम प्रदर्शन नहीं होते हैं। व्यक्ति साधारण जीवन यापन में कई उत्पाद मचा देते। अगर कोई ऐसा करता है, कृत्रिम प्रदर्शन करके लोगों का भटकाता है, जैसे मैंने अभी बोला ना कि सिद्धांतों का मिस गाइड करते हैं और ये दिखाते हैं कि बहुत बड़े भक्त हैं और एक्चुअल में होते नहीं है, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, केवल समाज में उत्पात मचाते हैं। अब जैसे जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आजकल एक बहुत अच्छा प्रोपोगेंडा लोगों ने चला रखा है कि रावण जैसा भाई होना चाहिए लेकिन राम जैसा पति नहीं चाहिए। तो जरा रावण जैसा भाई आप ले लीजिए, जो हर स्त्री का रेप करता फिरता था, है ना, वो भाई आपको चाहिए, है ना। जो सिद्धांत का पालन करके जो भगवान है उनको आपको नहीं चाहिए। तो फिर रावण राज में आपके साथ रेप हो रहा है या आपके साथ ये जो चीजें घट रही हैं आजकल जो समाज में, तो फिर आपको प्रॉब्लम कहाँ है? आप तो रावण जैसा ही चाहते थे ना। तो फिर आपको जब दिया जा रहा है और अच्छे से आपको चूना लगाया जा रहा है या आपसे धोखाधड़ी की जा रही है, तो फिर प्रॉब्लम क्यों हो रही है आपको? आप तो रावण जैसा ही जो राज्य चाह रहे थे ना, तो रावण राज लीजिए। लेकिन जिनको राम राज की कदर है वो जानते हैं कि राम राज्य क्या होता है। राम राज में सभी की वेलफेयर की बात होती है ना। सभी मनुष्य क्या, एक छोटे छोटे जीव जंतु की भी वेलफेयर होती है। क्यों जय श्री? ठीक है ना, सही तो सही बोल रहे हैं ना। तो लेकिन रावण राज में क्या होता है? ऐसा नहीं है। रावण दिखा सकता है। रावण जब सीता का हरण करने आया था तो साधु वेश में आया था। इसीलिए हमें चौक करना है। यहाँ पे यही बात बता रहे माता जी कि अलादनी शक्ति के लक्षणों का कृत्रिम प्रदर्शन व्यक्ति साधारण जीवन यापन में केवल उत्पाद हो जाता है। आवाज चली गई आपकी, आवाज आप म्यूट हो माता जी। जानते हैं हम जो सही सिद्धांत नहीं जानते हैं तो हम उनके बहकावे में आ जाएंगे, तो वो क्या करेंगे? उत्पात मचाएंगे, वो आपका मिसयूज करेंगे। वैसे भी जिसके अंदर ये रियल लक्षण प्रकट होंगे तो वो तो छुपाएगा उनको, वो प्रदर्शन नहीं करेगा। यदि एक्चुअल में ये लक्षण होंगे तो वो दिखाएगा नहीं, वो बल्कि छुपाएगा उनको। यहाँ से एलिवेटेड भक्तों को, माताओं को देखा है कि कई बार वो रोती हैं भगवान के लिए। मतलब जब क्लास होती रहती है उनकी आंख से सहजता, हम लोग कभी पहले नए नए थे तो ऐसे पूछ लेते माता जी आप रो रहे? नहीं, वो आंख में कुछ गिर गया था ऐसे। अब वही कह रहे ना कि वो छुपाएगा, ये रियल जिसका होगा वो दिखाएगा नहीं, प्रदर्शन नहीं करेगा। यहाँ पे बता रहे हैं कि वो लोग प्रदर्शन करते हैं क्यों? क्योंकि उनको पूजा लाभ प्रतिष्ठा चाहिए और वो आपका मिसयूज करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग केवल उत्पात मचाते हैं। क्लियर है माता जी? हाँ माता जी। जैसे कीर्तन, देवी वगैरह कीर्तन वगैरह होते हैं जो माताएं नाचती है, वो क्या होता होगा फिर? माता जी ये भक्ति विनोद ठाकुर ने अप संप्रदाय बताए हैं। अच्छा, भक्ति विनोद ठाकुर ने अप संप्रदाय बताया। आई थिंक 8 या 12 बताए हैं, मुझे अभी याद नहीं है। तो उन्होंने बताया है आउल बाउल ऐसे होते हैं। चैतन्य चरितामृत में बताया, भक्ति विनोद ठाकुर ने भी इसको एक्सप्लेन किया है। तो वैसे बताते हैं कि जैसे आउल बाउल होते हैं वो क्या करते हैं, पर इतना कीर्तन करते हैं, गिरिराज की परिक्रमा गाते हुए करते हैं, ढोल बजा के गाते हुए, रोते रोते। लेकिन उनका वो भगवान की प्रशंसा नहीं करते, वो लोगों की प्रशंसा लेना चाहते हैं। पूजा लाभ प्रतिष्ठा की उनकी इच्छा रहती है। फिर वो दिखा के ये दिखाते हैं कि वो भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं और फिर वो लोगों का मिसयूज करते हैं। एक घटना भी मैं बताना चाहती हूँ कि उसमें सत्यनारायण प्रभु ने भी बताया था और श्रील प्रभुपाद के समय में जैसे कोई व्यक्ति था वो जब के समय बहुत ही प्रदर्शन कर रहा था अष्टविकारों का ये सब। वो तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ऐसे करो, जाके ना उसको एक लात मारो। यदि वो लात मारने के बाद भी पहले जैसे ही प्रदर्शन करता है तो सही है, नहीं तो वो भाग जाएगा अपने आप। तो जैसे बहुत से कमेंट्स आते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि अगर कोई ये दावा करता है कि वो भगवान है तो उसको क्या करना चाहिए? उस पर कम से कम 4 किलो का पत्थर बांध देना चाहिए। उंगली पे उठाओ, भगवान ने गोवर्धन धारण किया तो तुम चलो 4 किलो करो। क्या अब उसमें 4 किलो पत्थर रगड़ना चाहिए भारी? अगर वो सहन कर ले तब तो भगवान ने तो उसको भगा देना चाहिए। ऐसा कब करेंगे? जब हमें सही नॉलेज होगा, सही सिम्टम्स पता होंगे, है ना। तो आपने अगर और अच्छे से पढ़ना है तो आप पढ़ेंगे NOD, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, रूप गोस्वामी का ग्रंथ है। उसमें भाव के लक्षण हैं। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग करिए, बहुत अच्छा लगेगा। भक्ति विनोद ठाकुर सॉरी रूप गोस्वामी की बुक है NOD, भक्ति रसामृत सिंधु। उसमें भाव के लक्षण है, 8 लक्षण है। उसमें एक लक्षण है अकालवत्म। वो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करता, मतलब 1 मिनट भी भगवत भक्ति के उन्माद के बिना नहीं रहता, 1 मिनट भी। तो हम लोग को कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन वो हमेशा रहता है। तो आप पढ़िए अव्यय तत्वम आई थिंक है, जो भी है संस्कृत में, मैं शायद थोड़ा गलत प्रोनाउंस, मुझे याद नहीं है। तो मुझे यही है बताया कि एक सेकंड भी वो वेस्ट नहीं करते भगवत भक्ति के बिना, वो रह नहीं सकते एक सेकंड भी। जैसे कि जैसे आपने देखा होगा कि हमारे इतने बड़े बड़े आचार्य, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये कहते हैं मेरा जीवन बिल्कुल बेकार है, हम तो ऐसे रहे हैं, हम तो बिल्कुल पापी रहे हैं, है ना। इतने एग्जॉल्टेड होके ये ऐसा क्यों कहते हैं? तो हमको लगता है हाँ हम भी तो ऐसे ही हैं। हमारे बता रहे हैं वो क्या, देखो उनका अगर एक सेकंड भी वेस्ट होता है, एक सेकंड भगवत भक्ति के बिना वेस्ट होता है, तो आप कह रहे हम तो बेकार हैं, हम तो कामी हैं, हम तो ये लगे हैं, हम तो ये लगे। लेकिन हम एक सेकंड अगर लग, हम हमारा उल्टा है, हम एक सेकंड लगते हैं कभी कभी। तो हम सोचते हैं कि हम भी तो यही कह रहे हैं कि हाँ हमारा मन हम भगवान, तो हमारे उनके में बहुत अंतर है। जो अवस्था हम कभी कभी किसी कृपा से फील करते हैं कुछ क्षणों के लिए, वो अवस्था उनकी रहती है, वो एक क्षण के लिए वो भूलते हैं और हम उल्टे होते हैं। तो मात्रा में बहुत अंतर है, हम भाव दशा पे नहीं है। ये गलत, ऐसे बहुत से लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं, इसलिए मैं ये आंसर दे रही हूँ कि हाँ कभी कभी कनिष्ठ अधिकारी लेवल में लगता है हाँ हमारा लक्षण तो बिल्कुल भक्ति विनोद ठाकुर का ही है, हम हमारा भी मन नहीं लगता, हम भी उसमें नहीं, उनको एक क्षण के लिए भगवत भक्ति नहीं की उन्होंने, तो उनको लग रहा है हम लोग एक क्षण के लिए करते हैं। उल्टा है मात्रा में। तो मेरे ख्याल से ये भाव क्लियर हो गया माता जी। अलादनी शक्ति का जो प्रदर्शन करते हैं, कृत्रिम प्रदर्शन करते हैं, वो उत्पात मचाते हैं, क्योंकि उनको भक्ति से लगाव नहीं होता, उनको पूजा लाभ प्रतिष्ठा चाहिए होती है। जैसे मैंने अभी एक वेन का एग्जाम्पल दिया ना, और मैंने आप लोगों से पूछा, आप लोगों ने जवाब नहीं दिया, अब आप लोगों को जवाब दीजिए राजा वेन की कथा का, कि राजा वेन ने जो कहा कि मैं तुम लोग साधु सब बालिशा हो, बालक की तरह बातें कर रहे हो, बेवकूफ हो, मूर्ख हो, क्यों? क्योंकि क्या तुम्हें पता नहीं कि जो राजा होता है वो भगवान का प्रतिनिधि